तो भाई स्वागत है आप सभी का ऋषियों की भूमि ऋषिकेश में। आज का मौसम काफी अच्छा है। ये सामने रहा जानकी सेतु, सबका अलग अलग नाम है। यहाँ से क्या खूबसूरत दिख रहा है राम झूला। यहाँ पे राफ्टिंग भी करने के लिए है, काफी फॉरेनर भी यहाँ आते हैं। कुछ सोचे नहीं है आरती तक रुकने का। अभी सनसेट होने पे आ गया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं हरिद्वार में हूँ और समय 10:30 बज चुका है। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश। यहाँ हरिद्वार में तो हम घूम लिए, अब चलते हैं यहाँ से ऋषिकेश। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, समय काफी लेट हो गया है। आधा एक घंटा लगता है यहाँ से जाने में ऋषिकेश। मेरा जो धर्मशाला है वो रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है, ये सामने, यहीं पे मैं स्टे किया हूँ। चलिए यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं ऋषिकेश। यहाँ से कोई लोकल टैक्सी या टेम्पो लेते हैं। यहाँ से काफी टैक्सी वगैरह जाता है, टेम्पो वगैरह ऋषिकेश। आज का मौसम काफी अच्छा है, धूप निकला हुआ है तो मौसम काफी खूबसूरत है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, पहले बस का पता करते हैं। अगर बस मिल गया तो बस लेके निकल जाएंगे, नहीं तो फिर तो टैक्सी या टेम्पो ले ही लेंगे। नाश्ता भी नहीं कुछ किए हैं, चलते हैं ऋषिकेश तो वहीं पे कुछ नाश्ता पानी करेंगे। इधर से ऋषिकेश के लिए बस निकलती है। ऋषिकेश पीछे वाली, यहाँ से लक्सर के लिए भी बस जाती है। हमें लक्सर ही जाना होगा सामने, उसके बाद लक्सर से मुझे पठानकोट के लिए निकलना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मनाली के लिए है नहीं, पठानकोट से मुझे मिलेगा। ऋषिकेश जाएगा ये? तो भाई स्वागत है आप सभी का ऋषियों की भूमि ऋषिकेश में। चलिए फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। पहले यहाँ कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किए हैं और होठ भी काफी सूख रहा है। कहाँ है कुलचे वाले? आप ही हो भैया, कैसे है कुलचा? पनीर वाले चाहिए, सादा चाहिए? सादा बताओ। 50 रुपए प्लेट है, अमूल का मक्खन, छिड़के वाली प्याज सलाद, सारे आइटम मिलेंगे। और पनीर वाली 80 की है। नहीं सादा ही खिलाओ। चलिए यहाँ पे कुछ नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। और यहाँ से देखिए क्या मस्त व्यू दिख रहा है पहाड़ का। अभी हम नाश्ता करके उधर ही जाएंगे, घूमेंगे। दो तीन जगह है, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा लगा हमें नाश्ता, बट ठीक है अभी निकलते हैं। इधर देखिए कुछ घर वगैरह है और इधर बंजर जमीन है पूरे, बाकी ये पहाड़ों से घिरा जगह है। अभी समय हुआ है 1, हम 4:30 बजे तक यहाँ पे हैं। तो इतने समय में जो भी हम जगह घूम पाते हैं वो सब जगह घूम लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से कुछ बेहतर दिखता है पहाड़, ये पुल है और सामने पहाड़, इधर भी पूरा पहाड़ है। नीचे गाड़ी वगैरह लगा है, पानी तो है नहीं। और ये मार्केट है इधर, अभी हमें इधर चलना है। ये सामने का टेंपल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैं जब से उत्तराखंड आया हूँ काफी सूख रहा है, और बोलने का मन भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा सा भी कुछ खाना खाते हैं तो होठ में दर्द होते रहता है, ऐसे बहुत ज्यादा पेन करते रहता है, पता नहीं। बट यहाँ आने के बाद शायद लगभग लोगों का हो जाता है। मैंने देखा काफी लोगों का होठ चटक गया था, काफी लोग बता रहे थे कि यहाँ आने के बाद मौसम ही यहाँ का ऐसा है कि आपका होठ सूख जाएगा। यहाँ से क्या मस्त का व्यू दिख रहा है। इधर कुछ पार्किंग वगैरह है जहाँ पे लोग गाड़ी लेके आते हैं तो रखते हैं, फिर राफ्टिंग करते हैं। बेसिकली लोग यहाँ पे राफ्टिंग करने आते हैं, रिलैक्स करने आते हैं ऋषिकेश। और ये सामने एक गुरुद्वारा है, काफी खूबसूरत है। वैसे यहाँ पे आपको काफी धर्मशाला गुरुद्वारा सब मिल जाएगा ठहरने के लिए। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं और कम पैसा में ठहरना चाहते हैं तो यहाँ के धर्मशाला और गुरुद्वारा में आप ठहर सकते हैं। यहाँ बाइक भी रेंट पे मिलता है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ बाइक रेंट पे लेके भी घूम सकते हैं खुद से। ये एक मार्केट ही है, काफी लंबा मार्केट है। इस मार्केट के बाहर निकलेंगे तो जानकी सेतु है, पहले जानकी सेतु देखेंगे उसके बाद चलेंगे राम झूला की तरफ। ये सामने रहा जानकी सेतु और कुछ ये दृश्य है इधर का। ये बस स्टैंड है, शायद पार्किंग लॉट है, ये बस स्टैंड नहीं। चलिए चलते हैं ब्रिज के ऊपर, फिर ब्रिज के ऊपर से कुछ व्यू दिखलाते हैं आपको यहाँ का। नीचे लोग नहा भी रहे हैं, कुछ उतना भीड़ भी नहीं है घाट पे। इस तरफ का कुछ ये व्यू है। यहाँ ब्रिज पे ये चीज लिखा है MKR 0270। अब ये किस लिए लिखा है मुझे तो आइडिया है नहीं, अगर आप लोगों को आइडिया है किसी को तो कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या मतलब है। ये सामने की तरफ का व्यू है और इधर का ये व्यू है,
साइड से बाइक चलते हैं, दोनों साइड से बीच में लोग चलते हैं। यहाँ ब्रिज के ऊपर का जो एहसास है वो अलग ही है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, काफी अलग सा एहसास है ब्रिज के ऊपर से चलने का। एक्चुअली ब्रिज सामने से नहीं बल्कि थोड़ा सा दूर से देखने में ज्यादा खूबसूरत लगता है। अभी मैं दूर आ गया हूँ तो थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और ये सामने का है अभी तो। चलिए अभी ब्रिज से तो हम बाहर आ गए हैं। एक्चुअली इस ब्रिज के बारे में कहीं पे लिखा नहीं है कि कितना इसका डिस्टेंस है, बट हम गूगल किए हैं तो पता चला है कि 274 मीटर के आसपास है इस ब्रिज का लंबाई। चलिए अब चलते हैं जानकी ब्रिज से। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, लोग घाट पे नहा रहे हैं, पानी काफी क्लीन दिख रहा है यहाँ से। वैसे तो पानी अभी काफी नीचे चला गया है बट गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा ऊपर रहता है पानी, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है जानकी सेतु। और यहाँ से सामने का पहाड़ कुछ अलग ही दिखता है। यहाँ साइड में ही इतना करंट है कि लोग कड़ी पकड़ के नहा रहे हैं, आगे तो कितना ज्यादा करंट होगा। अभी चलते हैं हम राम झूला की तरफ, फिर वहां से चलेंगे लक्ष्मण झूला, फिर दोनों जगह देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा लंबा था। ये वाला तो 274 मीटर लंबा था। वैसे यहाँ पे जानकी सेतु से राम झूला के तरफ का रास्ता जो है वो घाट के बगल से ही है, आप घाट के बगल से वॉक करके भी जा सकते हैं। यहाँ गंगा साइड में जितने भी घाट है सबका अलग अलग नाम है, काफी सारे घाट बने हुए हैं तो सभी घाट के बारे में हम आपको तो नहीं बता सकते। वैसे यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी बना रखा है घाट के बगल में, बगल में पेड़ सब लगा है तो थोड़ा सा ठंडा जगह है, हवा चल रहा है थोड़ा थोड़ा। ये कोई जगह है इधर परमार्थ निकेतन, और ये घाट है, क्या खूबसूरत घाट है। यहाँ पे लोग काफी आते हैं तस्वीर वगैरह क्लिक करवाने। और ये सामने देखिए क्या खूबसूरत प्रतिमा बना रखा है महादेव का, काफी खूबसूरत घाट है ये यहाँ पे हवन करने के लिए बना है एक। चलिए अभी चलते हैं इस घाट से। इस साइड में हनुमान जी का है एक प्रतिमा विशाल सा, और इस घाट पे आरती भी होता है संध्या काल में, तो ज्यादा लोग यहाँ पे आरती देखने आते हैं। यहाँ पे छोटा सा गली टाइप पे मार्केट है। ये क्या चीज है भैया? राम फल। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है राम झूला। पैदल चलते चलते इतना गर्मी लगने लगा कि फाइनली हमें जैकेट निकालना पड़ा। तो ये सामने रहा राम झूला, यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है राम झूला। अभी हम उधर थे जानकी सेतु के तरफ, बेसिकली ये सेतु ही है बट लोग इन्हें बोलते हैं राम झूला, उसका भी कोई रीजन होगा मुझे तो पता नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा। इस गंगा के पानी में काफी मछली भी है, और ये कुछ घाट के ऊपर का व्यू है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और उधर भी कुछ लोग हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। ये थोड़ा सा पुराना लग रहा है, थोड़ा सा हिल भी रहा है झूला। तो इधर का कुछ ऐसा व्यू है सामने का, और अभी हम इधर से आए हैं। यहाँ सामने घाट पे थे। हाँ भाई, अच्छा एक्चुअली पुल हिल भी रहा है फिर भी लोग इसके ऊपर से बाइक चलाते हैं, ठेला ले जाते हैं, रिक्शा ले जाते हैं माल लोड करके। नीचे गंगा जी बह रहा है इसके वजह से झूला के ऊपर काफी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और ये सामने जानकी सेतु है दिख रहा है यहाँ से। एक्चुअली इस झूला के बारे में भी यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि कितना लंबा है इसका। अभी चलते हैं उस तरफ, उसके बाद गूगल करके देखते हैं कि कितना लंबा है ये झूला। आई थिंक मुझे जैसे लग रहा है कि जानकी सेतु से थोड़ा छोटा ही है ये। चलिए अभी हम आ गए हैं झूला के इस तरफ, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है व्यू। अभी हम गूगल किए हैं तो पता चला है कि ये 230 मीटर लंबा झूला है, और ये सामने मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है उस तरफ का, ये सामने रहा राम झूला। यहाँ मार्केट में काफी खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति सब मिलता है। थोड़ा ज्यादा ठंडा पिलाना भाई। अच्छा, यहाँ लक्ष्मण झूला जाने के लिए बताओ नीचे से ऑटो मिलेगा या यहाँ से? अब चलते हैं, अभी अपोजिट साइड में चले गए थे, इस तरफ जाना होगा हमें। तो एक्चुअली हम ऋषिकेश आते ही नहीं, हरिद्वार भी नहीं आते, बट मुझे मनाली जाना था तो हल्द्वानी से मुझे डायरेक्ट मनाली के लिए मिला नहीं। नैनीताल में थे हम तो वहीं पे हम ढूंढे थे, तो मुझे लगा कि शायद हल्द्वानी जाएंगे तो वहां से मिल जाएगा मनाली के लिए, बट हल्द्वानी पहुंचने के बाद भी पता चला कि वहां से मुझे डायरेक्ट हरिद्वार जाना होगा, तभी हम हरिद्वार से जा सकते हैं मनाली। तो उसी बहाने मैं हरिद्वार आ गया। यहां से देखिए क्या खूबसूरत व्यू दे रहा है, ये सामने राम झूला रहा और ये सामने पहाड़। नैनीताल में भी कुछ ऐसा ही व्यू दिख रहा था, इधर पूरा जंगल ही जंगल है। चलिए अभी हम चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। यहाँ पे देखिए बंदर सब, एक्चुअली जंगलों में बहुत सारा बंदर है। तो अभी हम फाइनली ऊपर आ गए हैं यहाँ नीचे से। चलिए यहाँ से निकलते हैं, कोई ऑटो लेते हैं यहाँ से और चलते हैं। ऑटो से जाएंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, पैदल वॉक करेंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे पास समय है नहीं उतना। और यहाँ से कुछ व्यू देखिए आप नीचे का, यहाँ से क्या खूबसूरत दिख रहा है राम झूला। और उधर दूर आपको दिख पा रहा होगा तो जानकी सेतु है।
चलिए अभी हम आ गए हैं, अब चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। ये रास्ता अभी नीचे की तरफ जा रहा है थोड़ा सा, अभी हम इधर ऊपर से आए हैं। बेसिकली ऋषिकेश जो है वो ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ पे ऋषि मुनि रहा करते थे पुराने समय में, अभी भी रहते हैं। यहाँ पे राफ्टिंग भी करने के लिए है, काफी घाटों पे आप राफ्टिंग कर सकते हैं। अभी हम तो राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं ज्यादा है। अभी तो हम बस घूम घूम के जगहों को देख रहे हैं बस। यहाँ तो मार्केट में काफी शांति है, लोग दिखने रहे हैं दूर दूर तक, बस दुकानदार लोग बैठे हुए हैं। अब थोड़ा बहुत लोग दिखना शुरू हुए। ये सामने लक्ष्मण झूला है पुराना वाला, यहाँ नया बन रहा है। वैसे पुराने वाले पे जाना आना बंद है, अभी अलाउड नहीं है जाना आना, थोड़ा सा कमजोर हो गया है। और ये कुछ हजार दो हजार साल पुराना है। चलिए यहाँ से हम दिखलाते हैं आपको इसको। अभी हम गूगल करके पता किए तो ये 450 फीट लंबा है। वैसे ये एक सेतु ही है, लोग बस बोलते हैं राम झूला लक्ष्मण झूला। कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया होगा इसलिए शायद बंद कर रखे हैं अभी। इधर नया बन रहा है तो ये शायद चालू होगा। ये एक स्पॉट है जहाँ से लोग आके देखते हैं, तो यहाँ से यही कुछ व्यू दिखता है यहाँ का। ये सामने झूला और ऊपर पहाड़ एक अलग ही व्यू दे रहा है यहाँ से। और उधर काफी घर सब बना है, उस तरफ भी मंदिर सब है, होटल है, घर है लोगों के रहने के लिए, घाट सब भी है। यहाँ पे एक घाट है, एक उधर है। यहाँ पे अभी घाट के पास कुछ लोग राफ्टिंग करके आए हैं। इधर एक टेम्पल भी है छोटा सा। यहाँ पे सबसे पुराना जो सेतु है वो यही है लक्ष्मण झूला, और सबसे लंबा जो है वो जानकी सेतु है जो हम आपको सबसे पहले दिखलाए थे। यहाँ पे कुछ दुकान है, अभी बहुत कम ही लोग यहाँ आते हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं त्रिवेणी घाट की तरफ। समय 5 बज गया है, यहाँ पे हम काफी देर तक बैठ गए हैं। और यहाँ का कुछ ये व्यू है इधर का, काफी फॉरेनर भी यहाँ आते हैं देखने के लिए। यहाँ ऊपर आते आते सांस फूलने से लगा है। त्रिवेणी घाट कितना भाड़ा? 20 रुपया। 20 रुपया है अंकल जी, बैठ जाओ 20 रुपया। चलिए तो हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट, चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलना होगा। तो सामने ये घाट का गेट है। वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है ये गेट। चलिए अब यहाँ का कुछ दृश्य देखते हैं, फिर कुछ देर रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है त्रिवेणी घाट। वो सामने मेन गेट रहा और इधर घाट है, ये सामने घाट रहा। यहाँ नीचे आरती होता है, अभी तो हो नहीं रहा है। चलिए उस तरफ से कुछ व्यू देखते हैं। काफी लंबा घाट है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, अर्जुन का रथ। यहाँ पे काफी छोटे मोटे दुकान लगे हुए हैं। वाओ कितना खूबसूरत बनाया गया है ये प्रतिमा। सबसे खूबसूरत तो ये पहाड़ दिख रहा है, यहाँ लोग बैठे हैं और ये आसमानों में लहराता हुआ अपना तिरंगा। वैसे यहाँ पे कहा जाता है कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी एक साथ मिलके बहता है यहाँ से। मुझे ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट मैं सुना हूँ, मुझे काफी लोगों ने बताया है ऐसा कि ऋषिकेश में यहीं पे त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती तीनों एक साथ बहता है। अगर सही बात है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सच में यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों एक साथ बहता है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। अभी सनसेट होने वाला है, कितना खूबसूरत लग रहा है सूर्य का ये व्यू। थोड़ा सा और सनसेट हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। लोग यहाँ पे बैठ के नीचे मस्त वाइब ले रहे हैं यहाँ का। बेसिकली लोग यहाँ पे पीस के लिए ही आते हैं, शांति के लिए आते हैं, न कोई शोर गुल ज्यादा, न कोई हल्ला गुल्ला। मस्त लोग आके बैठे हैं अपना साइड में, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे पानियों में अपना पैर रख के बैठे हैं। अभी आरती चालू हुआ तो सब लोग जाएंगे आरती में शायद। तो यही कुछ दृश्य है त्रिवेणी घाट का। चलिए यहाँ पे कुछ देर हम भी बैठते हैं, फिर हुआ तो आरती में सम्मिलित होंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, चलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में हमारा बैग रखा हुआ है रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ से बैग लेके फिर निकलेंगे यहाँ से मनाली की तरफ। कितने बजे आरती होता है ये आरती? 6:30 बजे हो जाएगी। 6:30 बजे रात हो जाता होगा ना? हाँ रात हो। क्या चीज है, कैमरा है क्या? हाँ हाँ भाई कैमरा है। देखते हैं, अभी कुछ सोचे नहीं है आरती तक रुकने का, बाकी कुछ देर बिताते हैं यहाँ पे, मूड बन गया तो आरती में भी सम्मिलित हो जाएंगे। बाकी ये वाइब ही इतना मस्त है कि मन नहीं करता यहाँ से जाने का। चलिए अभी निकलते हैं हम यहाँ से, सोचे तो थे आरती देखने का भी, बट समय काफी हो जाएगा लेट यहाँ पे अगर हम रुके आरती देखने के लिए। तो मुझे यहाँ से निकलना भी है, मेरा ट्रेन जो है वो लक्सर जंक्शन से है 10 बजे रात में, तो मुझे हरिद्वार से नहीं कुछ तो 8 बजे तक तो निकल जाना होगा, 7-8 बजे तक। यहाँ आरती का तैयारी हो रहा है अभी, कुछ लोग बैठे हुए हैं आरती में। 6:30 बजे से पहले तो आरती होगा नहीं, और मेरे पास अभी समय नहीं है तो हम निकलते हैं यहाँ से। अभी सनसेट होने पे आ गया है, कुछ देर में सनसेट हो जाएगा, कभी दोबारा अगर ऋषिकेश आए तो आरती में सम्मिलित भी होंगे। फिलहाल यहाँ से चलते हैं, आज तो कहीं टेम्पल नहीं गए ऋषिकेश में।
बस जगहों पे घूमे हैं कुछ कुछ। वैसे तो प्लान करके सोचे नहीं थे कि ऋषिकेश भी आना है, मुझे लगता है भोलेनाथ बुला लिए तो आ गए हैं। अब आएंगे कभी प्लान करके तो अच्छे से यहाँ टाइम गुजारेंगे। ये एक अच्छा खासा मार्केट है, चलिए इस मार्केट से निकल के चलते हैं बस स्टैंड। हरिद्वार भैया ये सामने वाली जाएगी, चलिए अब चलते हैं ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँचते हैं। शाम का 6 बज गया है, देखते हैं कब तक हरिद्वार पहुँचाता है हमें। तो चलिए अभी हरिद्वार हम पहुंच गए हैं, समय तो 7:30 हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं आप कुल्लू मनाली की तरफ। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा हमारा ये ऋषिकेश का ब्लॉग। अच्छा एक बात पूछे भैया, यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहता है? त्रिवेणी होता है वैसे, नाम तो दिया है। यहाँ पे मतलब मिला है ना त्रिवेणी घाट के पास ही ना? मिला जो है वो प्रयागराज में है। अच्छा, तो यहाँ से बहता है तीनों मिलके बहता है यहाँ से।